सब लोग सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। बताना जरूरी है भैया, क्योंकि हम ही लोग तो हैं जो बार बार ठगे जाते हैं पार्टियों के झांसे में आकर। याद नहीं आया? चलो आप सबको याद दिलाते हैं और ले चलते हैं 4 साल पहले, जहां हमसे बड़े बड़े और लुभावने वादे किए गए, जताया गया कि जो भी होगा जनता के हित में होगा। भाइयों देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं उत्पादन नहीं करते हैं। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, हमारी पार्टी महंगाई से काम करती है। हम बताते हैं आपको 4 साल में हमने क्या किया है, सुनिए। हम पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई सुविधा देंगे भैया, और दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित करेंगे। पिछली पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। सरकारी अस्पतालों में सभी दवाइयां उपलब्ध करवाएंगे और हर इलाकों में सरकारी क्लिनिक खुलवाएंगे। पूरी दिल्ली को कूड़ा रहित बनाएंगे। देखिए भैया, हम जो भी काम करते हैं जनता के हिसाब से काम करते हैं। जो भी फैसला करते हैं जनता से पूछ कर करते हैं। और इस बार हमने सोचा है सभा भी लगा दिए। सुनिए, सभा लगाएंगे। तो भाइयों, ये थे वादे जो 4 साल पहले पुरानी सरकार ने हमसे किए, लेकिन आज तो स्थिति कुछ और ही है।
बस। लो बेटा मुंह मीठा करो। और दाखिला मिल गया अच्छे स्कूल में? नहीं एडमिशन हुआ पापा मेरा। अरे अरे सॉरी सॉरी क्यों मिल गया? नहीं हुआ पापा। अरे 90% अंक पाने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो कल्लू के लड़के का तो खाली मेरे ख्याल से 65% आए हैं। हाँ। और बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है उसको तो। भाई तो तेरे को क्यों नहीं मिला भाई? कोटा पापा, कोटा सिस्टम। ओहो ये कोटा सिस्टम आ गया। जिनको मिलना चाहिए उनको कुछ मिलता नहीं और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको। बस करो भैया बस करो, अब कितने इतने पापड़ बेलोगे? अरे आपको क्या पता नहीं है बिगड़ी हुई सरकार के कैसे कैसे काम होते हैं? ये भी उनका काम होगा। बस अब हम और नहीं सहेंगे, बहुत बेवकूफ बनवा लिया हमने अपना। अब और नहीं, अब हम अपने और अपने पूरे समाज के लिए एक बेहतर विकल्प चुनेंगे और हम सबको ही एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। अपना खुद का समुदाय बनाना पड़ेगा जो होगी हमारी खुद की पार्टी और जिसे हम बनाएंगे अपनी पार्टी। अरे अम्मा ये काम करेगी जातिवाद को दूर करने में। वो कैसे भैया? अरे भैया हम एक कास्ट एबोलिशन एक्ट बनवाएंगे जिससे आरक्षण और जातिवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। और ये काम करेगी बेहतर शिक्षा दिलाने में और दिल्ली को साफ सुथरा रखने में। और हमारी पार्टी का थीम है सबको अवसर सबकी भागीदारी, ताकि बिना भेदभाव के सबको अवसर मिल सके भाइयों। और सबके स्वाभिमान सम्मान समृद्धि और स्थायित्व को बनाए रखे। वाह वाह बेटा क्या बात है, जैसा तुमने कहा अगर ये ऐसा काम करती है ये गुड़िया खुद चलकर अपने पैरों से दौड़ देगी। हाँ और बेटा हमें क्या चाहिए, हमारा भविष्य उज्जवल हो, बस इसी बात में दिल से आवाज आ रही है। Wonderful.